नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज बैठक की है। यह बैठक गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेबर वेलफेयर को लेकर हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक और ओम प्रकाश यादव ने की। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस बैठक में उन्होंने चर्चा की कि आने वाले समय में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किस तरह से लाभ दिलाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड में ज्यादातर सदस्य नए थे, जिन्हें बोर्ड का काम समझाया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इसमें दो सुझाव काफी अच्छे आए हैं। इस बैठक के अंदर आने वाले समय में कैसे हमारे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट दिया जाए, उनकी और सुविधाओं को बेहतरीन बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो। क्योंकि अधिकतम सदस्य बोर्ड में नए आए हैं, आज तो उनको केवल मात्र बोर्ड का प्रोफाइल दिया गया और बोर्ड कैसे काम करता है उसको बताया गया। मगर दो सुझाव बड़े अच्छे आए। एक कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो बिल्डिंग में सड़कों में काम करते हैं, उनकी अगर कोई स्किल इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग और दूसरी लोकेशन पे हो तो उसके लाने जाने का खर्चा भी बोर्ड का डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अपनी एक तैयारी करके बताएं। दूसरा, क्योंकि अब बेसिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सीमित हो चुके हैं, पहले बोर्ड 8,000 रुपया कंस्ट्रक्शन में आने वाले कोई भी इक्विपमेंट की परचेज के लिए बोर्ड के मेंबरों को, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, तो ये एक सुझाव बोर्ड के पास आया है जिसको बोर्ड ने अप्रूव किया कि 75% ऑफ एनी इक्विपमेंट अबव 15,000 रुपीज़ या 15,000 रुपये तक का कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदेगा तो उसका ओरिजिनल इन्वॉइस और साथ में जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम कर रहा है उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो मालिक है या मैनेजर है वो उसको अप्रूव करे। भूपेंद्र यादव जी से जब मिल के आया था मैंने ये मांग भी रखी कि लैंड 10 एकड़ हम उनको गुड़गांव या मानेसर के अंदर अलॉट करें, 500 बेडेड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे 12.5 लाख आईपी कार्ड होल्डर आज के दिन गुरुग्राम में, उसको देखते हुए 500 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण है। साथ ही जिले के विकास परियोजना पर भी चर्चा की गई। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।